बॉडी बिल्डिंग में ब्रोस्प्लिट होता है, पुश पुल लेग होता है, पावर लिफ्टिंग में भी अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बट क्या आर्म रेसलिंग सिर्फ पंजे डालने होते हैं? जी नहीं, आर्म रेसलिंग में बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। इस वीडियो के एंड तक मेरा गोल यही रहेगा कि आपके लिए आपके हिसाब से बेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं बनवा पाऊं। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, शुरू करते हैं। फर्स्ट ट्रेनिंग मेथड है हमारा कॉन्जुगेट सिस्टम ट्रेनिंग मेथड, और ये वाला जो मेथड है हमारा वेस्ट में फॉरन आर्म रेसलिंग में काफी फेमस मेथड है। इसमें क्या होता है, वीक में हम तीन दिन ट्रेन करते हैं, मंडे वेनेसडे फ्राइडे। तीन दिन में फर्स्ट डे को हम कहते हैं मैक्स एफर्ट डे, सेकंड डे को हम कहते हैं वॉल्यूम ट्रेनिंग, एंड थर्ड डे को हम कहते हैं स्पीड डे। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम कुछ एक्सरसाइज को चुनते हैं जिनमें हमें स्ट्रेंथ चाहिए, जिसमें हमें स्ट्रांग होना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ साइड प्रेशर। फर्स्ट डे पे मैक्स एफर्ट डे के दिन हम पूरे जो हमारा साइड प्रेशर है उसे पूरा ओवरलोड करेंगे। हम 5 kg से शुरू करेंगे, वार्म अप से शुरू करेंगे, एंड हम तब तक जाएंगे तब तक वेट को इंक्रीज करते रहेंगे जब तक हमारे तीन या चार रैप ना आ रहे। ठीक है, इसे हम कहते हैं मैक्स एफर्ट डे, अपने हाथ को पूरा मैक्स एफर्ट तक ले जाएंगे। सेकेंड डे वेनेसडे को हम करेंगे वॉल्यूम ट्रेनिंग। इसमें क्या होगा, जो हमने एक्सरसाइज मैक्स एफर्ट डे के दिन लगाई थी साइड प्रेशर, उसे ही हम वॉल्यूम में करेंगे। मतलब उसके हम बहुत सारे सेट्स लगाने वाले हैं, बट जो वेट हम यूज करेंगे वो हम मैक्स एफर्ट डे के दिन नहीं जाएंगे एकदम पूरा, एकदम 100 kg अगर हमारा PR है सो हम उसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम अपने PR का 60-70% यूज करेंगे। ठीक है, एंड फिर वॉल्यूम में ट्रेन करेंगे ताकि हमारी एक तरह से एंड्योरेंस भी ट्रेन होगी, एंड इससे हमारी पूरी एकदम अच्छे से मूवमेंट भी, हम अपनी पूरी अच्छे से मूवमेंट को ट्रेन भी कर पाएंगे। थर्ड डे फ्राइडे को हम करेंगे स्पीड की ट्रेनिंग। जो भी हमने एक्सरसाइज मैक्स एफर्ट डे के एंड वॉल्यूम डे के दिन यूज करी थी ना, वही हम स्पीड डे के दिन वही एक्सरसाइज हम यूज करेंगे, लेकिन हम इसमें अपना वेट को और कम कर देंगे। हम 20-30% का वेट यूज करेंगे, एंड हम फिर जो रेपिटेशन लगाएंगे वो एकदम तेजी में लगाएंगे। जैसे मैंने अभी साइड प्रेशर का एग्जांपल लिया, तो हम उसको स्पीड में ट्रेन करेंगे जिससे हमारा रिएक्शन टाइम बढ़ेगा, हमारे जो मसल्स होंगे, हमारे जो टेंडन्स होंगे, उनमें फास्ट फाइबर्स जो होते हैं, फास्ट जो हमारे फाइबर्स होते हैं, नर्वस सिस्टम जो होता है वो ट्रेन हो। इस मेथड का एक बड़ा फायदा ये है, मान लेते हैं आप एक टॉप रोलर हो। ठीक है, टॉप रोल में जैसे आप करते हो कपिंग, ठीक है, आप करते हो प्रोनेशन, एंड आप करते हो साइड प्रेशर, वो टॉप रोल वाला। ठीक है, ये वाला ऐसे आप साइड प्रेशर करते हो। ठीक है, अब आप कॉन्जुगेट सिस्टम को यूज करते हैं। इससे क्या होता है ना, इससे आपकी मूवमेंट बहुत अच्छी बनती है। बताता हूँ कैसा है। मैक्स एफर्ट डे के दिन आपने प्रोनेशन करी, आपने पूरा हार्ड कोर ट्रेन करा। वॉल्यूम डे के दिन फिर आपने पूरे एकदम फाइबर्स को अच्छे से ट्रेन करा, वॉल्यूम दी, फिर आपने स्पीड दी, तो इससे आपका जो गेम होगा ना वो पूरा निखर के आएगा, आपकी मूवमेंट्स अच्छी बनेगी। अगर आपने सही फॉर्म से करा, सही फॉर्म से इस ट्रेनिंग मेथड को यूज करा, सही एक्सरसाइज का सिलेक्शन करा, तब आपका ये कॉन्जुगेट सिस्टम आपके लिए बहुत काम आएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। सो ये था हमारा कॉन्जुगेट सिस्टम ट्रेनिंग मेथड। नेक्स्ट मेथड है हमारा टेक्निक ओरिएंटेड मेथड। इसमें क्या होता है ना कि जैसे मैं आपको बोलता रहता हूँ कि यार एक टेक्निक चुन लो, कोई हुक खेल रहा है सेम टाइम पे, वो टॉप रोल भी खेल रहा है, प्रेस भी खेलने की कोशिश कर रहा है। नहीं, आप जस्ट अभी बिगनर हो ना, एक टेक्निक को चुन लो, ठीक है, उस पर फोकस करो। एंड अब जैसे इस ट्रेनिंग मेथड में भी यही है कि आपकी गेम के अराउंड जो भी एक्सरसाइज है ना, मतलब जैसे मैं मान लेता हूँ मैं पोस्टिंग टॉप रोल खेलता हूँ, ठीक है, मैं पोस्टिंग टॉप रोल खेलता हूँ, पोस्टिंग टॉप रोल में अच्छा होने के लिए मेरे को राइजर पे बहुत अच्छा होना पड़ेगा। राइजर मेरा अच्छा होना चाहिए, मेरी प्रोनेशन अच्छी होनी चाहिए, मेरा बैक प्रेशर अच्छा होना चाहिए, ऑल्सो मैं कह सकता हूँ एक और प्रोनेशन की मतलब एक्सरसाइज होती है वो भी अच्छी होनी चाहिए। सो ये 4 एक्सरसाइज हो गई। अब मैं वीक में 3 दिन ट्रेन करूंगा, अगर आप नहीं कर सकते 2 दिन में से शुरू कर लो, वीक में 2 दिन ट्रेन करो, हार्ड ट्रेन करो, अच्छा ट्रेन करो, इंजरी मत दिलवाओ। तो ये जो मैंने 4 एक्सरसाइज मैंने पोस्टिंग टॉप रोल के लिए बताई, वही मैं एक्सरसाइज करूंगा। ठीक है, मैं अपना पूरा एक जैसे हम बॉडी बिल्डिंग में वर्कआउट करते हैं ना, पूरा मैं जैसे शुरू करूंगा 5 kg से मैं राइजर मारूंगा, ठीक है, फिर मैं 10 kg बढ़ाऊंगा दूसरे सेट में, तीसरे सेट में मैं 15 kg कर दूंगा अगर मैं कर सकता हूँ। धीरे धीरे वेट बढ़ाना है अपने हाथ को, राइजर एक बहुत माइनर मसल होता है, ठीक है, उस पर आप मतलब इंजरी मत लाना, जैसे बता रहा हूँ। सो ऐसे आप अपना टेक्निक ओरिएंटेड ट्रेनिंग मेथड बना सकते हो। आपका जो भी गेम है, आपका प्रेस गेम है, ठीक है, प्रेस में हमें डाउनवर्ड प्रेशर चाहिए होता है, हमें कप चाहिए होता है, सुपिनेशन चाहिए होती है, हमें थोड़ा बैक प्रेशर चाहिए होता है, हमें साइड प्रेशर भी चाहिए होता है। सो जो भी आपका टेक्निक है, इसलिए ये मेथड है टेक्निक ओरिएंटेड मेथड। आप अपनी टेक्निक के अराउंड 4 एक्सरसाइज चुनिए, 5 एक्सरसाइज चुनिए, जो भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रही है, एंड उसको ट्रेन करिए। वीक में 2-3 बार आप ट्रेन करिए, उससे ज़्यादा नहीं, एक एक दिन के बीच में रेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये गेम टेंडन का है तो आपको रेस्ट भी चाहिए होता है। टेंडन्स को आप रोज नहीं वो कर सकते, ओवर ट्रेन करोगे तो कहीं भी इंजरी आएगी, एंड फिर आपको जो बैठना पड़ जाएगा 2-3 महीने बैठने से बढ़िया आराम आराम से थोड़ी थोड़ी करके प्रोग्रेस करो, एक बार में एक्साइट मत हो। सो
ये है हमारा टेक्निक ओरिएंटेड। आई होप आपको समझ आया हो। जैसे आप इसमें भी यही कर सकते हो, मंडे वेनेसडे फ्राइडे तीन दिन अगर ट्रेन करना है, दो दिन ट्रेन करना है सो आप ट्यूजडे एंड थर्सडे ट्रेन कर सकते हो। बाकी दिन क्या करना है भी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, बाकी दिन आप क्या क्या कर सकते हो। सो ये हमारा टेक्निक ओरिएंटेड ट्रेनिंग होता है। जैसे मैंने अभी बताया टेक्निक के अराउंड 4 से 5 आप एक्सरसाइज ढूंढो, ठीक है, एंड जो भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके हिसाब से लगता है, जो भी आप मूवमेंट करते हो उसके हिसाब से, एंड फिर आप अपना वर्कआउट शेड्यूल करो एंड आप ट्रेनिंग शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा पुश एंड पुल ओरिएंटेड ट्रेनिंग मेथड, या फिर मैं कह सकता हूँ साइड बैक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ट्रेनिंग। मतलब इसमें आपको कुछ बातें समझने की है। जैसे कि अभी एक एग्जांपल लेते हैं, पोस्टिंग टॉप रोल का मैं एग्जांपल लेता हूँ। पोस्टिंग टॉप रोल में जैसे आप, जैसे सारे जो टॉप रोल्स होते हैं वो टॉप रोल मार रहे होते हैं, मतलब बैक की तरफ ही तो मार रहे होते हैं, बैक की तरफ प्रोनेट कर रहे होते हैं, बंदे के हाथ मतलब ओपोनेंट के हाथ को कंट्रोल करते हैं, पीछे को लाते हैं। सो मैं इनको डालता हूँ पुल की कैटेगरी में, ठीक है, पुल की कैटेगरी में, ठीक है। एंड पुश जो भी आपके साइड प्रेशर आप खेलते हो, ठीक है, आप मतलब सॉरी हुक खेलते हो, प्रेस खेलते हो, ये सब पुश में आ गया, ठीक है। सो अगर एक मतलब टॉप रोलर पुश एंड पुल को यूज करेगा तो वो पुल पे ज्यादा ध्यान देगा, पुल की ट्रेनिंग पे ज्यादा ध्यान देगा। ऑफकोर्स ही बात है, वो ट्रेनिंग भी जो होती है पुल की ही होती है। सो आपकी ट्रेनिंग कैसे दिखेगी, ठीक है, वीक में। अब वीक में हम तीन दिन लेंगे, तीन ही दिन लेंगे या फिर दो दिन लेंगे। तीन दिन में क्या करेंगे, हम मंडे लेंगे, ठीक है, एंड फ्राइडे लेंगे। बीच में जो वेनेसडे बचा है इसका बताता हूँ। मंडे को आप करोगे पुल रिलेटेड ट्रेनिंग एंड फ्राइडे को भी आप करोगे पुल रिलेटेड ट्रेनिंग, जिसमें हो गया आपका बैक प्रेशर, जिसमें हो गया आपका प्रोनेशन, जिसमें आपका हो गया राइजर नीचे को, ये जो आप इसमें भी आप पुल ही कर रहे हो, ठीक है। सो ये हो गया हमारा पुल की ट्रेनिंग, ठीक है। अब इन मसल्स को आप पूरे मतलब ऐसे तो घिस नहीं सकते, बुरी तरह से तो आप घिस नहीं सकते। सो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि ऊपर मैंने टेक्निक ओरिएंटेड में मैं भी बताया, आप अपने मतलब इनको रेस्ट देने के लिए, बीच में एक रेस्ट देने के लिए एंड अपने हाथ को साथ साथ ट्रेन भी करने के लिए, अब आप सुखो यार रेस्ट देता रहूंगा ट्रेन कब करूंगा। सो इसका एक समाधान इसी टेक्निक में है। सो वीक में दो दिन पुल रिलेटेड एक्सरसाइज करने के बाद एक दिन जो आपको बचेगा आप उसमें पुश की ट्रेनिंग कर सकते हो। अगर जैसे आपको मन करता है टॉप रोल के साथ हुक भी ट्रेन करना है, जैसे 80% आप टॉप रोल ट्रेन कर रहे हो, 20% आपको हुक ट्रेन करने का मन कर रहा है, सो आप हुक ट्रेन कर सकते हो। सो यहीं पे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक एज है, पुश एंड पुल ओरिएंटेड ट्रेनिंग मेथड का एक एज है कि आप वीक में दो बार अपनी टेक्निक को ट्रेन कर सकते हो एंड एक दिन जो आपको बच गया, ठीक है, एंड उन दो दिन में भी आप जो मैंने दो दिन बोले जो टेक्निक के उसमें हार्ड पुश कर सकते हो एंड जो एक दिन बच गया आपका उसमें आप थोड़ा कोई और मूवमेंट ट्रेन कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जो आपके जो टेंडन्स होंगे, जो आपके मसल होंगे, अगर आपने एक्सरसाइज सेम नहीं रखी, कहीं एक्सरसाइज सेम रख दो, एक्सरसाइज में सेम रख देना, अपने आपके जो टेंडन्स होंगे जो दो दिन ट्रेन हो चुके होंगे जैसे टॉप रोल के, सो जो आपका तीसरा दिन बीच का बच जाएगा उस पर आप किसी और एलिमेंट पर वर्क कर सकते हो जो आप अपने गेम प्लान में यूज करते हो। शायद आप टॉप रोल लगाने के बाद यहां से प्रेस मार देते हो या फिर आप हुक लगाने के बाद यहां से वापस टॉप रोल खोल देते हो। सो उन एलिमेंट्स पर आप वर्क कर सकते हो। सो ये है। एंड इसमें एक और वेरिएंट है, मतलब इसी टेक्निक में एक और वेरिएंट है, वो है कि आप क्या कर सकते हो अगर आपको दो दिन ट्रेन करना है, जैसे हफ्ते में एक हफ्ता आप पुश करो ट्रेन, नेक्स्ट आप पुल ट्रेन करो। मतलब क्या है इसका, आप साइड प्रेशर करते हो, ठीक है, एक हफ्ता आपने साइड प्रेशर ट्रेन करा, नेक्स्ट हफ्ता फिर आप बैक प्रेशर ट्रेन कर रहे हो। इससे क्या होगा, जो आपके साइड के मसल होंगे वो रिकवर हो जाएंगे उस दिन जिस हफ्ता आप सिर्फ बैक प्रेशर रिलेटेड ट्रेनिंग्स कर रहे हो, ठीक है। बैक प्रेशर में ही बहुत कुछ होता है, बैक प्रेशर वाली प्रोनेशन, बैक प्रेशर लगाना, बैक प्रेशर वाला कप, ठीक है, बैक प्रेशर वाला ये एंड साइड प्रेशर पे। अब फिर आपने जैसे एक हफ्ता ये कर लिया, ठीक है, बैक प्रेशर रिलेटेड ट्रेनिंग एक हफ्ता कर ली, फिर नेक्स्ट वीक आप अपने पुली को साइड पे लगा के फिर आप साइड प्रेशर वाली ट्रेनिंग कर रहे हो। सो इससे आपके हाथ के एक तरफ के मसल टेंडन जो होंगे वो एक वीक रेस्ट रहेंगे, फिर एक वीक आप इस तरफ के टेंडन्स को ट्रेन कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि जब हम ज़्यादा साइड प्रेशर मारते हैं आपको पता है गोल्फर हो जाती है, ठीक है, ज़्यादा आप बैक प्रेशर वगैरह मारते हो तो यहाँ पे आपको टेनिस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती है एंड ज़्यादा कोनी को अगर आप ओवर ट्रेन करते हो तो आपकी कोनियाँ से घिस जाती है। इस पर भी बात करेंगे, कभी इंजरीज पर बात करेंगे। सो ये होता है हमारा पुश एंड पुल ओरिएंटेड ट्रेनिंग मेथड, काफ़ी एक अच्छा मेथड है, आप यूज़ कर सकते हो। सो नेक्स्ट है हमारा GTG मेथड, ग्रीसिंग द ग्रूव मेथड। इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ, मैंने ये मेथड डेविल लेट में नोटिस किया है, वो ये यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इस मेथड में क्या होता है, जैसे कि इसमें हमें रोज ट्रेन करना होता है, लेकिन खुश मत हो जाओ गाइस, इसमें हमें मतलब अपने PRs पे ट्रेन नहीं करना होता, हमें अपने मैक्स मतलब वेट्स पे ट्रेन नहीं करना होता। इसमें क्या करना होता है, इसमें मतलब हमें एक महीने के लिए अपनी ट्रेनिंग को करना होता है, फिर हम अपना PR चेक करते हैं कि बढ़ा कि नहीं बढ़ा। इसमें क्या होता है, मैं जल्दी से आपको शॉर्ट में बताता हूँ। जैसे अभी मैंने बताया पोस्टिंग टॉप रोलर्स में, जैसे एक अच्छा पोस्टिंग टॉप रोल बनने के लिए, टॉप रोलर बनने के लिए एंड किसी को मारने के लिए आपको एक अच्छा राइजर चाहिए, आपको अच्छी प्रोनेशन चाहिए। सो आप क्या कर सकते हो एज अ पोस्टिंग टॉप रोलर्स, अपने राइजर एंड प्रोनेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उन पे नंबर बढ़ाने पे, वेट पे नंबर बढ़ाने के लिए, आप जैसे आपने डेविल लेट को भी देखा होगा, वो छोटी छोटी मूवमेंट्स करते हैं
एंड वो हर दिन करते हैं, ठीक है, हर शाम करते हैं, हर सुबह करते हैं, वो दिन में लाइक हर 20-20 मिनट 30-30 मिनट जब जब उन्हें याद आता है वो रेप्स लगाते हैं, 1-2 रेप्स लगाते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम ट्रेन होता है। एक होता है मस्कुलर सिस्टम, एक होता है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। एंड न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जिसका स्ट्रांग होता है ना, वो आम रेसलिंग में तो यार मतलब हर स्पोर्ट में आगे रहता है, बट लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना इग्नोर करते हैं या फिर पता ही नहीं होता। सो GTG में क्या होता है, मैंने पूरी वीडियो बना के आप जाके देख सकते हो, पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया। जैसे यार इसमें हम बेसिकली न्यूरॉन्स को ट्रेन करते हैं। अब एक छोटा बच्चा होता है उसे स्टार्टिंग में तो चलना आता नहीं है, धीरे धीरे वो चलता है, कोशिश खुद ही करता है, फिर भागने में लग जाता है। सो इसे हम कहते हैं न्यूरोलॉजिकली खुद को ट्रेन करना, रोज आदत डालना, बट इसमें मैक्स एफर्ट मतलब अपने मैक्स वेट पे मत जाना। इसमें आपको वेट 75% ही यूज करना होता है, एंड मतलब बाकी तो यार मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया, आप जाके देख सकते हो। लेकिन बाकी अगर आपको अपने किसी भी एलिमेंट पे जैसे राइजर पे प्रिंटर पे अगर वेट मतलब वेट बढ़ाना है, मतलब कि आप अगर आपका PR 10 है सो आपको 20-25 तक ले जाना है, सो आप ग्रीसिंग द ग्रूव को मेथड का यूज कर सकते हो, बट एक सेफ वे में यूज करना, क्योंकि राइजर जो एक मसल है ना बहुत कमजोर मसल है, एंड इस पे थोड़ी भी आपने मस्ती करी गेम ओवर, मतलब इंजरी बहुत जल्दी आ सकती है, सो बच के रहना गाइस। सो ये है हमारा GTG मेथड। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा आर्म स्प्लिट। इसमें क्या होता है यार, जैसे हमारा ये आर्म है, ठीक है, बहुत लोगों को मैंने करते हुए देखा है, सो इसलिए मैंने सोचा इसे इंक्लूड करूं। लोग क्या करते हैं, वो मतलब अपने आर्म को पूरे एक वीक में बांट लेते हैं। अब डिपेंड करता है आपको 3 दिन में बांटना है, 4 दिन में या 5 दिन में। और वो क्या करते हैं, एक दिन वो अपने रिस्ट को ट्रेन करते हैं, ठीक है, एक दिन वो फोरआर्म को ट्रेन करते हैं, एंड एक दिन वो बाइसेप को ट्रेन करते हैं, ठीक है। ये काफी पुराने टाइम्स में यूज होता था, सो ओल्ड स्कूल आर्म रेसलिंग। एक और वेरिएशन आर्म स्प्लिट में है, आप ये कर सकते हो पूरे वीक में, एक दिन आप अपने बैक प्रेशर पे वर्क कर रहे हो, एक दिन साइड प्रेशर पे वर्क कर रहे हो, एक दिन आप राइजर पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, एंड एक दिन आप अपने मतलब प्रोनेशन में वर्क कर रहे हो। अब आप कहोगे यार ये तो एक एक्सरसाइज है, नहीं नहीं, प्रोनेशन में भी हमारी बहुत टाइप की प्रोनेशन होती है, बैक प्रेशर में भी आप बहुत तरह से अपने बैक प्रेशर को ट्रेन कर सकते हो, साइड प्रेशर में भी आप बहुत तरह से ट्रेन कर सकते हो। ये यार ये तो तब करना चाहिए जब आप अपनी टेक्निक के बारे में अच्छे श्योर नहीं हो, या तो आपको तभी करना चाहिए, या फिर आप इसे तब कर सकते हो यार जब आपने जस्ट आर्म रेसलिंग शुरू कर रही है एंड आप अपने हाथ को पूरा लाइक एज अ होल रेडी करना चाहते हो आर्म रेसलिंग के लिए। सो ये आपको तब ही करना चाहिए, बाकी मतलब क्योंकि एक स्पेसिफिक टेक्निक को आप ये फोकस नहीं कर रहा है, ये वाला जो हमारा स्प्लिट है इसमें बस हम अपने हाथ को स्ट्रांग कर रहे हैं, साइड पेस लगा रहे हैं, बैक पेस लगा रहे हैं, कभी जितने भी आर्म रेसलिंग में एलिमेंट्स हैं उन सब पे हम वर्क कर रहे हैं। क्योंकि अब सीधी बात है, आप टॉप रोल खेलते हो तो आपको डाउनवर्ड प्रेशर की तो जरूरत नहीं है ना, सो उसको ट्रेन करने का फायदा तो उसका फायदा तो है ही नहीं, सो टाइम वेस्ट ही जाएगा। सो इसका ये मतलब नहीं है डाउनवर्ड प्रेशर ट्रेन नहीं करना चाहिए, जस्ट आई मतलब बोल रहा हूँ। सो ये था हमारा आर्म स्प्लिट। सिक्स्थ में मैंने उन सारे छोटे माइनर ट्रेनिंग मेथड्स को रखा हुआ है जो कि आप वीक में तो ट्रेन नहीं कर सकते उन्हें, मतलब जैसे बहुत अजीब तरीके हो जाएंगे, ग्रो उतना नहीं करोगे, बट आप अपनी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उनका यूज कर सकते हो। सो पहला तरीका है हमारा टेंडन ट्रेनिंग, जिनके बारे में मैंने बात करी है साइड प्रेशर की वीडियो में। स्टैटिक ट्रेनिंग, जैसे किसी वेट को ले लिया एंड आप उसे होल्ड लगा रहे हो, अगर आपको लगता है कि कोई भी पोजिशन वीक है सो आप उस पर होल्ड लगा सकते हो, सो ये भी एक अच्छा तरीका है स्टैटिक ट्रेनिंग। थर्ड तरीका है हमारा पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग एंड आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, बहुत सारी ट्रेनिंग आप अपने वर्कआउट खत्म होने के बाद कर सकते हो, बट एक सेफ मैनर में। जैसे आपने मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्टैटिक ट्रेनिंग का ले लेते हैं, ठीक है, एंड टेंडन ट्रेनिंग का ले लेते हैं, जो मैंने बात करी थी, आप किसी को अपने हाथ को बंधवा के आप होल्ड लगा सकते हो। ओल्ड स्कूल आर्म रेसलिंग में बेस्ट तरीका है, बहुत सारे आर्म रेसलर टॉप 1 पे थे ऐसे टेक्निक्स को यूज करके। सो आप इनके लिए एक दिन निकाल सकते हो, अगर हो सके दिन निकाल सकते हो, अगर आपको पेन नहीं है तो आप एक दिन निकाल सकते हो एंड अपने टेंडन्स को कुछ एक अलग एंगल में ट्रेन कर सकते हो, या फिर आप आपकी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, जैसे आपने बैक प्रेशर वैक प्रेशर जो भी आपको मारना था मार लिया, सो आप एक एक सेशन होल्ड्स कर सकते हो। इससे क्या होगा, ब्लड फ्लो भी जाएगा, टेंडन भी ट्रेन हो जाएंगे, ठीक है, एंड आपकी होल्ड की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो ये थे कुछ आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग मेथड्स। आई होप आपको कुछ आइडिया लगाओ कि ऐसे होती है आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग। अब आ रहे होंगे आपके कुछ माइंड में सवाल, बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग करते हो और आर्म रेसलिंग को भी साथ लेना चाहते हो, सो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जैसे अगर आपका बॉडी बिल्डिंग का मतलब इतना मन है, ठीक है, एंड आपका आर्म रेसलिंग का इतना मन है, एंड सो ये जो आपका आर्म रेसलिंग का मन है ना, ये आपके बॉडी बिल्डिंग के पूरे करियर को खा जाएगा। क्योंकि जब आप ये ट्रेनिंग करोगे ना, आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग टेंडन ट्रेनिंग होती है एंड बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग मसल ट्रेनिंग होती है, सो आपके जो टेंडन्स होंगे वो पूरे मतलब सूज चुके होंगे, मतलब आप यूज ही नहीं कर पाओगे इन ऐसी हिट ऐसी मतलब तगड़ी ट्रेनिंग करने के बाद, सो आपकी बॉडी बिल्डिंग पूरी इफेक्ट होगी। सो अगर आप आर्म रेसलर बनना चाहते हो
सो तभी आप इसको करो. अगर आप बॉडी बिल्डिंग और सब कुछ साथ लेना चाहते हो, सो डाइट अलग होती है, ट्रेनिंग अलग होती है, गोल्स अलग होते हैं, माइंडसेट अलग होता है, सब कुछ अलग होता है. वहाँ पे आपको कट करना होता है. आर्म रेसलिंग में आपको जान बढ़ाने के लिए खाना भी पड़ता है कभी कभार. आपको डेयरी प्रोडक्ट्स, ऐसी चीज़ें खानी पड़ती है जो बॉडी बिल्डर्स नहीं खाना प्रेफर करते. ऑल्सो अगर आपका गोल पावर लिफ्टिंग का है, हैवी बेंच मारना चाहते हो, हैवी स्क्वाट मारना चाहते हो, डेडलिफ्ट मारना चाहते हो, सो आप इस ट्रेनिंग से दूर रहो. क्योंकि जब आप आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग करोगे ना, आप फिर आप बेंच मारने की कोशिश करोगे अगले दिन या फिर सेम डे पे, तो भाई बहुत पेन आएगा आपको. आपका पीआर 15 से 20 किलो से नीचे गिर जाएगा. आपको पेन आ रहा होगा क्योंकि आता है पेन. मैंने फील किया है. सो बाकी जो दिन वीक में बच जाते हैं, इस ट्रेनिंग के बाद आप नॉर्मल जिम जा सकते हो, फिजिक भी बना सकते हो, बट स्टेज वाली आई डोंट थिंक सो. बाकी आप सबकी मर्जी है यार. आपकी जेनेटिक्स सबकी अलग होते हैं, सबके डाइट अलग होती है, सबका सप्लीमेंट, सबका सिस्टम अलग होता है, सपोर्ट सिस्टम अलग होता है. सो यही था आज का वीडियो गाइस आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर. आई होप आज आपको कुछ वैल्यू मिली हो. अगर आपको ऐसा क्लिक हुआ ना कि यार मैं क्यों नहीं कर सकता ऐसे ट्रेन, सो लाइक मारना. अगर आपको कुछ पसंद आया इस वीडियो में, सो कमेंट में बताना. कमेंट में ये भी बताना कि आपको इनमें से कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम अच्छा लगा. और अगर आपकी कोई डिमांड होगी, हैवी डिमांड होगी, यार ये वाला ट्रेनिंग प्रोग्राम पे वीडियो लाओ. सो आपकी पूरी स्केड्यूलिंग करेंगे कि कैसे इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को आप हफ्ते में अच्छे से लाइक कर सकते हो, कैसे बना सकते हो. सो बनाएंगे एक वीडियो, पूरी चर्चा करेंगे. सो मैं इस वीडियो उसका आता रहूँगा. जिसमें तुषार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट.